आज का टॉपिक होगा ऑटोमेटिक वर्क का प्लान करके तो ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर हम बना रहे हैं। तो ये जगह मैंने सिलेक्ट की है अपना ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें लेना है ज़्यादा कुछ नहीं, एक पिस्टन, दो स्टिकी पिस्टन, दो ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन जितना आपको चाहिए, एक लीवर, एक बटन, तो और हाँ एक डिस्पेंसर। आपको लगाना है एक पिस्टन इधर, रेडस्टोन, एक स्टिकी पिस्टन, दो रेडस्टोन, इस तरह से एक ब्लॉक ऑफ सॉरी इसको इसको सही है स्टिकी पिस्टन इधर, एक रेडस्टोन इसको तोड़ो इधर लगा दो, एक ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन इधर लगा दो, स्टिकी पिस्टन और यहाँ इसके दो कदम के दूर एक डिस्पेंसर। इतना तैयार हो गया। अब लेते हैं रेडस्टोन। आप सोच होंगे ये जगह मैंने खाली की रखी है, आपको पता चल जाएगा। एक दो तीन में हम तो कनेक्ट कर देते हैं एक दो तीसरे ब्लॉक तक और बटन लगा देते हैं इधर, लीवर और फिर यहाँ पे हमें इसके अंदर अपने रॉकेट जो भी आपको पसंद आए, अलग अलग कलर के रॉकेट्स आप इधर रखेंगे। तो मैं रख रहा हूँ कलरफुल सारे अलग अलग टाइप के रॉकेट। ये हो गया तो अब इसको कवर कर लेंगे ना, कवर से अच्छा नहीं लगे, आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं ये सारा सामान रख दूँ रात होने का हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि अब हम करने वाले हैं रॉकेट लॉन्च। अब लेकिन अब लगता है मुझे इसको बंद करना चाहिए, मैं अपने जाकर तोड़ फोड़ करने वाला प्लीज स्टॉप हो गए। अब इस बटन की जरूरत नहीं है, बटन को तोड़ दो, दरवाजे खोलो और इस वाले पिस्टन की जरूरत नहीं है, इस पिस्टन को हटा दो और अब ये हो गया फुल्ली ऑटोमेटिक रेडस्टोन। इसको खोलो, मजे करो। अगर बिल्कुल ऐसे तो आपको ये कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइए। और याद रखना सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि मैंने आपको इतने काम की चीज़ बताई है कि आपके सच में बहुत काम आएगा। अगर किसी सेलिब्रेट करना आपको किसी बात में, अगर आपको डायमंड्स मिले हो तो उस बात के सेलिब्रेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं चलता हूँ।